मैं बार बार ये सोचता हूं कि दिल्ली को नजर लगी, अब समझ में आता है कि ना केवल नजर लगी है, एक बदले की भावना से ओतप्रोत केंद्र सरकार, जो बना बनाया ढांचा, ढांचागत जो हमने यहाँ व्यवस्था बनाई थी उसको छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। जो योजनाएं हम लाए थे अनधिकृत कॉलोनियों पर, विशेष तौर पे मुझे याद है स्वर्गीय शीला जी चिंतित रहती थी कि इनको कैसे हम नियमितीकरण करें इनका, और भागदौड़ी करके केंद्र सरकार से भी जद्दोजहद करके, अफसरशाही से जद्दोजहद करके, विशेषज्ञों से राय मशविरा करके फिर हमने उनका नियमीकरण किया, सर्टिफिकेट्स बांटे, मूलभूत सुविधाओं की तरफ वो प्रक्रिया शुरू की। लेकिन उन सब पे पहले अर्धविराम लगा और अब पूर्ण विराम लग गया। बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े नाम योजनाओं के देने में हमारे प्रधानमंत्री बड़े पारंगत हैं। प्रधानमंत्री उदय योजना सुना होगा आपने, यहां का जीवन झुग्गी झोंपड़ियों में, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 70% लोगों का जीवन, उदय शब्द उनका इस्तेमाल उनके लिए करना भी उनका अपमान है, क्योंकि उनके जीवन में सूर्योदय होते हुए उन्होंने नहीं देखा, अंधेरेमयी जिंदगी वो जी रहे हैं। जो धांधली उदय योजना में हो रही है रजिस्ट्री के नाम पर, आप लोग खोजी पत्रकार हैं, आप में से कई लोग जब मैं दिल्ली सरकार में था तो कुछ बच्चे थे, कुछ नौजवान थे, कुछ मेरी उम्र के थे, अब मैं पता नहीं किस उम्र का हूं, नौजवान में तो नहीं मानूंगा अपने आप को, लेकिन मेरे साथ आप में से कई लोग बड़े हुए, अपने अपने प्रोफेशन में भी बड़े हुए, आपने देखा दिल्ली की यात्रा। अब जब हम निकलते हैं दिल्ली, आरोप प्रत्यारोप मोदी सरकार जो कर रही है, जिस तरह से न केवल एक चुनी हुई सरकार को संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि वोटर को आप उसकी जिंदगी के विषय में सोचे बगैर सिर्फ छोटी राजनीति, हल्की राजनीति से ही आप प्रेरित हो, यह हमारा नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप है, उनकी पार्टी पर आरोप है। बहुत छोटी राजनीति इस शहर में होने लगी, पहले ऐसा नहीं होता था। हमने अटल जी का भी दौर देखा, हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार तो खैर स्वर्णिम युग था ही दिल्ली के लिए, लेकिन अटल जी की सरकार में हाँ संघर्ष करना पड़ता था, ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं करना पड़ता था शीला दीक्षित जी की सरकार को, लेकिन फिर भी राजनीति का एक स्तर होता था, दिल्ली की चिंता सबको होती थी, और नहीं होती थी तो शीला जी, मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन अटल जी के यहाँ बैठक हुई, मेट्रो के संबंधित कुछ अप्रूवल्स लेने थे, हारून यूसुफ जी भी हमारे साथ थे, हमारे अनिल भारद्वाज जी भी थे उस बैठक में, अटल जी ने साफ इनकार कर दिया था। कभी हारून जी से आप ये किस्सा जरूर सुनिएगा, बड़ा रोचक किस्सा है। चाय भी पिलाई अटल जी ने, बड़े प्रेम से बात की, आदर से बात की, लेकिन फाइल अप्रूव नहीं की। उनके अफसरों ने वहीं कमरे में आकर कहा कि नहीं साहब, ये अप्रूव नहीं हो सकता। शीला जी ने कहा एक चाय और पिलाई। मैं बड़ा हैरान कि शीला जी दिन के वक्त दो बार चाय पी रही हैं, समझ में आया नहीं, चाय और आई। फिर शीला जी ने एक बहुत ही सुलझे हुए, सधे हुए शब्दों में अटल जी को कहा, अटल जी मैं बड़ी मायूस होकर जा रही हूँ, बाहर जब मीडिया वाले मेरे साथी खड़े हैं तो मैं उनको कहूँगी अटल जी को दिल्ली वालों की चिंता नहीं। अटल जी ने शीला जी का हाथ पकड़ा और बोला बैठो। वो समझ गए कि शीला जी बहुत ही सलीके से एक धमकी दे रही हैं, और फिर अफसरों को बुलाया अटल जी ने, सारी फाइलें वापस टेबल पे खुली, छह फाइलें ले गई थी, छहों की छहों अप्रूव करके दो घंटे बाद हम बाहर आए, और मीडिया वालों को शीला जी ने उनकी, आपको स्माइल याद होगी, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने वो मुस्कान दी और बोला चलो सचिवालय वहां बात करेंगे। आप में से कुछ लोगों को शायद ये किस्सा याद होगा। तो विधानसभा की बात है, हमारा पुराना सचिवालय जहां चलता था, फिर आप लोग वहां आए। तो बड़े रोचक किस्से उस वक्त के मुझे याद आते हैं, जब आज की केंद्र सरकार को मैं देखता हूं, अटल जी उस वक्त भी नरेंद्र मोदी को राजधर्म याद दिलाते दिलाते खत्म हो गए, आज फिर मुझे लगता है कि 10 साल से इस व्यक्ति को राजधर्म नहीं समझ गया है, नहीं तो दिल्ली की ये हालत नहीं है।